नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर वन रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एटीन को सोल्व करने जा रहे हैं क्या कहता है एटीन लेट एफ कोई फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड है बाय द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज सिग्नम फंक्शन एफ एक्स तीन ही वैल्यू होती है हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन के लिए वन है जीरो के लिए 0 है एंड लेस देन जीरो के लिए माइनस वन एंड जी कोई फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड है बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन by जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स हो गया ठीक है देन डज एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ कॉन्साइड इन जीरो टू वन देखिए सेमी ओपन या सेमी क्लोज हमारे पास इंटरवल है इसके अंदर क्या कॉन्साइड करते हैं चेक करते हैं सोल्यूशन हमारे पास एफ आर टू आर डिफाइंड बाई क्या है एफ एक्स इज इकल टू वन ज़ीरो एंड माइनस वन वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वैन एक्स इज इकल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन ज़ीरो और हमारा जी जो है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पर है डिफाइंड बाई जी एक्स इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है चलिए हमें पहले एफ ओज एंड जी ओ एफ निकालना है सो जी ओ एफ निकालते हैं हम जी ऑफ एफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी क्योंकि जी हमारा जो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स ठीक है अब हमें किसके अंदर निकालना है इंटरवल जीरो से लेके वन इन ज़ीरो टू वन इस इंटरवल में जीरो से लेके 1 वन अगर हम बात करें ये हमारा जीरो है ये वन है ये हमारा माइनस वन है ज़ीरो से लेके वन में हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है क्योंकि ज़ीरो से बड़ी है वो वन तक जा रही है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वन है इन ज़ीरो टू वन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया सो जी ऑफ एफ दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन एंड दैट इज इक्वल टू वन जी ऑफ एफ की वैल्यू किसके अंदर जीरो से लेके वन के बीच में हमारे पास कितनी आ गई वन आ गई अब हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ जी दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स मीन्स हमारे पास जी एक्स अब यहाँ पे जो जी एक्स है जी एक्स की वैल्यू किसके लिए बात करें हम जीरो से लेके वन इन जीरो टू वन जो जी एक्स है अगर इंटरवल यहां की अगर हम बात करें जीरो से लेके वन के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो से लेके यहां तक जीरो पॉइंट नाइन 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 तक वैल्यू हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी फोर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन के लिए एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और वन के लिए जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो है एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू वन होगी किसके लिए फॉर एक्स इक्वल टू वन के लिए, लिए. यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई सो एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी हमारा बाइफ़र्केट हो गया एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ वन यहाँ किसके लिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन के लिए और यहाँ पे x इजिकल टू वन के लिए ठीक है अब f ओफ जीरो f ओफ जीरो हमारे पास क्या है दिस इज जीरो x की वैल्यू जीरो और लेस देन वन के लिए और f ओफ वन वन की वैल्यू हमारे पास क्या है वन x इजिकल टू वन के लिए तो g ओफ f की वैल्यू सिर्फ एक है f ओफ g की वैल्यू हमारे पास है, दो है तो क्वेंसाइड नहीं कर रहे हैं सो so, f ऑफ जी एंड जी ऑफ f डू नॉट कॉन्साइड इन जीरो टू वन क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आई है और यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है दो वैल्यू आ गई है सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करते हैं स्टेटमेंट क्या है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताने हैं सॉल्यूशन में देखिए a binary operation binary operation on set a b is a function is a function from from a b into a b to a b check okay. that is ऑपरेशन इज़ फंक्शन फ्रॉम अगर हम इसके ऑर्डर पे लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा ए ए ए बी बी ए एंड बी बी टू ए बी इससे इसके ऊपर जो फंक्शंस हैं दैट इज बाइनरी ऑपरेशन अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए चार एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दैट इज टू रेज टू पावर फोर टू रेज टू पावर एन टू रेज टू पावर फोर कितना बनेगा सिक्सटीन सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन ठीक है बहुत ही आसान सा था चलिए हमारा क्लास ट्वेल्व का चैप्टर वन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उनके क्वेश्चंस के साथ उनके इंट्रोडक्शन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत